देखिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं, ये स्वतः लागू हो जाते हैं। लागू करने के लिए कुछ अलग से व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। कुछ मूल अधिकार इस प्रकार के हैं जिनको लागू करने के लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ती है। ऐसे मूल अधिकार जिसमें दंड की व्यवस्था की गई है, जैसे छुआछूत को अपराध माना गया है, और अनुच्छेद 17 में ही बात कही गई है कि जो व्यक्ति छुआछूत का दोषी पाया जाएगा उसको कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो कोई कानून होना चाहिए ना दंडित करने के लिए। तो इस छुआछूत विरोधी मूल अधिकार को लागू करने के लिए हमें एक कानून की जरूरत पड़ेगी, जिसे अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बेगार, बलात्श्रम, फोर्स्ड लेबर का निषेध किया जाता है। वो अगर कोई जो है मानव का दुर्व्यापार करता है, माने मानव की तस्करी करता है, मानव की तस्करी के लिए की जाती है, वेश्यावृत्ति के लिए की जाती है, व्यक्तियों को पकड़ लिया जा सकता है और उनसे भीख मंगाई जाती है, इसलिए उनके मानव की तस्करी की जाती है, उनको पकड़ के उनके शरीर के अंग बेचे जाते हैं, गुर्दे बेचे जा रहे हैं, तो इसके लिए मानव का दुर्व्यापार होता है। तो ये मानव का दुर्व्यापार अनुच्छेद 23 निषेध करता है, प्रोहिबिटेड। और जो इसका दोषी पाया जाएगा उसको कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो एक कानून की जरूरत है कि नहीं? तो ज्यादातर मूल अधिकार जो है स्वतः लागू हो जाते हैं। कुछ मूल अधिकार इस प्रकार के हैं कि लागू करने के लिए हमें कानून की जरूरत पड़ती है। तो कानून बनाने की शक्ति मूल अधिकार को लागू करने के लिए कुछ सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स आर ऑफ द नेचर दैट दे कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली बाई वे ऑफ लॉ। तो उन मूल अधिकार को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। किस अनुच्छेद के तहत है? किस? तो अनुच्छेद 35, यही आपको हम बता रहे थे पिछली क्लास में कि जो कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं जिनको लागू करने के लिए संसद के पास शक्ति होती है, संसद के द्वारा उसको लागू कराया जा सकता है। जैसे आप देखिए, आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 में यह कहा गया है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स के पुनर्स्थापना के लिए रिट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रलेख, निकालता है। हम चाहें तो हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 का एक क्लॉज 2 है, वो ये बताता है कि अगर संसद चाहे तो कानून बना के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जो अन्य न्यायालय हैं उनको भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। ये बात याद आ रही है? तो ये कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी ना। संसद जो है मूल अधिकार, अभी आज की तारीख में खूब अच्छी तैयारी करिएगा, यहां से पता बनता है। आज की तारीख में अगर पूछा जाए कि रिट कौन जारी करता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इसके अलावा अन्य न्यायालय रिट जारी नहीं करते। इसी बात को इस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्यों नहीं कर सकते? ऐसा कोई कानून नहीं है। इसको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति संविधान ने किसे दी है? न्यायपालिका को दी है। मूल अधिकार को लागू करने की शक्ति संविधान ने किसे दी है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दी है। अगर विकल्प है सभी न्यायालयों को, तो यह आंसर गलत होगा। सभी न्यायालय नहीं करते हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। इसके अलावा अन्य न्यायालय मूल अधिकार को लागू करने की उनके पास शक्ति नहीं है। ठीक, वो मूल अधिकार के संरक्षक नहीं है, लेकिन अन्य न्यायालय के पास भी शक्ति दी जा सकती है संसद कानून बना के। तो अनुच्छेद 35 ये कह रहा है कि सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार तो स्वतः लागू हैं, उनको लागू करने के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मूल अधिकार जो संविधान दिए गए स्वतः लागू हैं, मगर कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जिनको लागू करने के लिए
संसद को शक्ति दी गई है, संसद कानून बनाएगा, विधानमंडल को शक्ति दी गई है, संसद के कानून के द्वारा लागू किए जाएंगे। जैसे कि अनुच्छेद 32 का क्लॉज 2, यहां संसद कानून बनाकर संसद के कानून के द्वारा यह व्यवस्था की जा सकती है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अलावा अन्य न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं मूल अधिकार को लागू करने के लिए। आज ऐसा कोई कानून नहीं है, इसलिए आज भारत के सभी न्यायालय मूल अधिकार को लागू नहीं कर सकते, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 33 में आपको हमने ये बताया था जो आर्म फोर्सेस हैं, जो सशस्त्र बल हैं, उनके सदस्य के मूल अधिकार को संसद कानून बना के सीमित कर सकती है। जैसे सेना है, जैसे बीएसएफ है, जैसे पुलिस फोर्स है, नेवी है, एयर फोर्स है, या जो जो खुफिया एजेंसी हैं, आईबी है, रॉ है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, एनआईए है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, नाम सुना होगा, आतंकवाद के लिए काम करती है, आतंकवाद के विरोध में, एनआईए जिसके अजीत डोभाल प्रमुख है मेरे ख्याल से, अगर बदल लेना हो तो, ये जो खुफिया विभाग है इनके सदस्य इनके मूल अधिकारों को संसद कानून बना के सीमित कर सकती है। क्यों? इसलिए कर सकती है क्योंकि इन इस संगठन के जो सदस्य हैं उनके कार्य की प्रकृति ऐसी है कि अगर हम चाहते हैं कि वो अनुशासन में रहें और अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकें तो उनको उनके मूल अधिकार को सीमित करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होगा, सेना में देखिए क्या है, सेना में आपको जाकर लड़ना है, आप वहां जान खतरे में है, गोली चल रही है, आप भाग खड़े हो गए क्योंकि हमको जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत और हम नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो दूसरा जो है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 के तहत भी ये संसद को अधिकार है कि इनके मूल अधिकार को सीमित किया जा सकता है। फिर अनुच्छेद 34 है जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब मार्शल लॉ लगा होता है, मार्शल लॉ तब लगता है जब कहीं दंगा हो गया है, बहुत भयंकर हिंसा हो गई है और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है फेल हो गया है, जो नागरिक प्रशासन है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो सेना बुलाई जाती है और वहां सैन्य शासन चला दिया जाता है, सैन्य शासन चलता है। अब यहां सेना के नियम चलेंगे, सेना के कानून चलेंगे, अब ऑर्डिनरी लॉ ऑर्डिनरी कोर्ट वहां काम नहीं करेगा, ऑर्डिनरी एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करेगा, वहां की सरकार सस्पेंड कर दी जाएगी और सैन्य शासन शुरू हो जाएगा और सैन्य को असाधारण शक्तियां दी जाती, किसी को भी आप किसी की भी संपत्ति को जब्त कर लीजिए, किसी को भी गोली मार दीजिए, किसी को भी मृत्युदंड दे दीजिए और कुछ भी काम किया जाएगा उन कामों के लिए उनको पूरी छूट दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है, संसद के द्वारा कानून बनाकर व्यवस्था कर दी जाती है कि कानून व्यवस्था की पुनर्स्थापना के लिए, कानून व्यवस्था की बहाली के लिए सरकारी कर्मचारी अब जो काम करेंगे उनके लिए उनको दोषी नहीं माना जाएगा। यहां संसद को अधिकार है कानून बना के, पिछले क्लास में आपको बताया था अनुच्छेद 34 के तहत जब मार्शल लॉ लगा होता है, अनुच्छेद 33 के तहत हमने आपको बताया था जो हमारे आर्म फोर्सेस जो सशस्त्र बल हैं, अनुच्छेद 32 जो मैं बताया था जो रिटेन है वगैरह हैं, इनके लिए जो है कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत? 35 के तहत, अनुच्छेद 35 के तहत जो है शक्ति संसद के पास है। ठीक, यहां से अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून निर्माण की शक्ति किसके पास है, आज तक कोई यहां से प्रश्न नहीं पूछा गया है, इसलिए भविष्य में भी यहां से कोई प्रश्न पूछा जाए इसकी संभावना बेहद कम है। ठीक, ये नहीं कहेंगे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछे जाएंगे संभावना बहुत कम है, तो आप लिख लीजिए नॉट इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 35 में जो लिख लीजिए नॉट इंपॉर्टेंट, ये इसलिए लिख लीजिए क्योंकि जब आप एग्जाम का टाइम होता है आपके पास बहुत सारा रिवीजन करना होता है तो उन चीजों को आप स्किप करते चलिए। हाँ, 35 लिखिए नॉट इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार से देखिए तो एक है अनुच्छेद 16 का क्लॉज 3, आपको किसे पता है अनुच्छेद 16 का संबंध किससे है? अवसर की समता, सरकारी नियोजन में, सरकारी नौकरी में हर एक को अवसर की समानता होगी, किसी के साथ जाति के आधार पर, निवास के स्थान पर, जन्म स्थान के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
उधर, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन 16 क्लॉज 3 यह बताता है कि संसद कानून बना के निवास स्थान की शर्त लगा सकती है कुछ खास प्रकार की नौकरी में, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो, या राज्य सरकार के अधीन हो, या लोकल बॉडी के अधीन कोई नौकरियां हो, यूटी में हो, कुछ खास प्रकार की नौकरी में निवास की शर्त लगाई जा सकती है। तो निवास की शर्त लगाएगा कौन? संसद, राज्य सरकार नहीं लगाएंगी, संसद। नहीं, आरक्षण हमारा मूल अधिकार बिल्कुल नहीं है। लिखा था सर ने, लिखाया था इसको, साफ साफ लिखाया था कि आरक्षण मूल अधिकार नहीं है, लिखाया था। इतना याद नहीं रहता, ये तो पता कि हमने आपको बताया है और लिखाया भी है, संभावना से बात की है। खूब अच्छी तरह समझ लीजिए, आरक्षण हमारा मूल अधिकार नहीं है। आरक्षण सरकार देगी तो आपको मिलेगा, सरकार नहीं देगी तो आप कोर्ट में पहुंच जाओगे कि मुझे आरक्षण चाहिए, ये तो मेरा मूल अधिकार है। आरक्षण मूल अधिकार नहीं है। इसके अलावा देखिए अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 23। 17 क्या है? छुआछूत। और अनुच्छेद 23 क्या है? शोषण विरोध अधिकार, माने मानव दुर्व्यापार, मानव तस्करी। तस्करी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये इसी को तस्करी कहते हैं। गलत तरीके से आप किसी चीज का व्यापार कर रहे हो, ये तस्करी है। मानव अंगों की तस्करी, मानव की तस्करी, गलत तरीके से किसी को बेचना खरीदना, ठीक। तो अनुच्छेद 35 आपको यह बताता है कि कुछ मूल अधिकार ऐसे होते हैं। फिर से याद रखिए, ये स्टेटमेंट्स को अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि मूल अधिकार के बारे में कई स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। सच है ये बात, मूल अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। इसी बात को दूसरे तरीके से कहें, मूल अधिकार को सस्पेंड किया जा सकता है। अगर एब्सोल्यूट होते तो सस्पेंड ना हो सकते, एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यंतिक नहीं है, क्योंकि इनके अपवाद हैं, इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, इनके एक्सेप्शंस लगाए गए हैं, इनको हम सस्पेंड कर सकते हैं। सार यह है कि मूल अधिकार असीमित नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, आत्यंतिक नहीं है, ठीक। मूल अधिकार जो है सस्पेंड किए जा सकते हैं, मूल अधिकार जो है स्वतः लागू होते हैं, लागू करने के लिए अलग से कुछ व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है। मूल अधिकार सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, स्वतः लागू हो जाते हैं। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं कि लागू करने के लिए कानून बनाया जाता है, वो कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है, ठीक। ये पिछली क्लास में हो गया था, इसको ये खत्म कर रहे हैं, ठीक। अब आते हैं अनुच्छेद 31 के बारे में हल्का सा बताकर, यहां से मूल अधिकार अपने खत्म हो जाएंगे। 35 तो बता रहे, ये सब 35 ही बताया है, ये सब 35 बताया है। अनुच्छेद 35 संसद को अधिकार है। देखिए इन सारी चीजों को हम इसलिए नहीं लिखा रहे हैं क्योंकि हमने आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अनुच्छेद 35। यहाँ पर बस इतना जानिए अनुच्छेद 35 के बारे में कि अनुच्छेद 35 के माध्यम से जब किसी मूल अधिकार को, कुछ मूल अधिकारों को लागू करने के लिए कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, वो कानून अनुच्छेद 35 के तहत संसद के द्वारा बनाया जाता है। ये पिछले क्लास में अनुच्छेद 35 के बारे में कितनी बात हमने लिखा दी थी ना, आज इसके बाद थोड़ा डिटेल में हमने और समझा दिया है। ये सारी चीजों को हम अभी समझा के लिखाएंगे तो इसमें टाइम आपका जाएगा, और मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ से अभी तक कोई प्रश्न आया नहीं है ना, इसलिए इसको हम बस इतना पढ़ा के छोड़ रहे हैं, ठीक। अनुच्छेद 31 आ जाए, अनुच्छेद 31 आज डिलीट हो चुका है, मगर यहाँ से जब प्रश्न आ जाता है अनुच्छेद 31 से, जब आपको मैचिंग करने को आता है, इधर अनुच्छेद होंगे इधर उसके बारे में लिखा होगा, तो मैचिंग करने में आपके यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कभी कभी बिना मैचिंग के यूं ही प्रश्न पूछा जाता है कि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार को जब हटाया गया तो देश में शासन किसका था, अब किस अनुच्छेद में रखा गया संपत्ति का अधिकार को, ठीक। कभी कभी यहाँ से प्रश्न आ जाता है, तो ये लिख लीजिए, संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31, संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31। संपत्ति का मूल अधिकार, हाँ, ब्रैकेट में अनुच्छेद 31। ठीक, यहां यहां पर थोड़ा सा और लिखिए, एक और ब्रैकेट बनाइए, ब्रैकेट लिखिए निरसित, निरसित 44वां संविधान संशोधन, ऐसे यूं लिखिए
संपत्ति का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? 31। इसके अलावा एक अनुच्छेद और है। नहीं, मूल अधिकार की बात कर रहा है, अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ। अब क्या है इसमें? क्या है इसमें? यह है, ये निरसित माने डिलीटेड, रिपील्ड, निरसित। कब निरसित हुआ? 44वां संशोधन। इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, निरसित का होता है अब डिलीट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अंग्रेजी में कहते हैं रिपील। हाँ, अब मूल अधिकार नहीं। देखिए अनुच्छेद 31 क्या कहता था? अनुच्छेद 31 ये कहता था कि किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बगैर उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। माने आपको आपकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई कानून चाहिए। किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बगैर उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये कहता था प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो संपत्ति का अर्जन करे, संपत्ति को धारण करे और संपत्ति को विक्रय करे। व्यक्ति को अधिकार था वो संपत्ति को अर्जित कर सकता है, मतलब प्राप्त कर सकता है, कमाकर, गिफ्ट से, उत्तराधिकार से, कैसे भी संपत्ति को अर्जित कर सकता है। संपत्ति का स्वामी बना रह सकता है कि हमारे पास संपत्ति है, उसके हम स्वामी बने हुए हैं। संपत्ति को डिस्पोज कर दे, संपत्ति को अपनी किसी को गिफ्ट कर दे, उसको अधिकार। जब संपत्ति तुम्हारी है तो आपको अधिकार होना चाहिए, या आप उसको किसी को गिफ्ट कर दीजिए, किसी अपनी संपत्ति को आप बेच दीजिए, अपनी संपत्ति को आप गिरवी रखिए, अपनी संपत्ति को उत्तराधिकार किसी को दीजिए। आप संपत्ति आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये आपको ये अधिकार देता था कि व्यक्ति को अधिकार है कि वो संपत्ति का अर्जन करे, संपत्ति को धारण करे, संपत्ति का व्यय कर दे, और किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से विधि के प्राधिकार के बगैर वंचित नहीं किया जाएगा। हाँ, विशेष परिस्थितियों में हम आपसे आपकी संपत्ति से वंचित कर सकते हैं, मगर उसके लिए एक कानून होना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं कि आए और वंचित कर दिया। नहीं, कोई लॉ होना चाहिए, कोई कानून होना चाहिए, जो विधि ऐसी होनी चाहिए जो आप संपत्ति के अधिग्रहण की व्यवस्था करती हो। लेकिन इसके लिए दो शर्तें होनी चाहिए, तभी विधि के प्राधिकार के साथ आपको संपत्ति से वंचित किया जाएगा। दो शर्तें ये थी, जब आपको आपकी संपत्ति से वंचित किया जाएगा तो उद्देश्य जनहित होना चाहिए। मेरा यहां मकान है, मेरा यहां खेत है, और पता लगा यहां पर तो तेल का कुआं है, तो जनहित में हमारा खेत, हमारा मकान हमसे ले लिया जाएगा, यहां खुदाई की जाएगी और तेल निकाला जाएगा, पेट्रोलियम, या कोई हाईवे बनाना है, कोई डैम बनाना है, और डैम बनाने में लगता है कि यहां पूरा एरिया खाली कराना पड़ेगा। डैम जनहित में बनना है, बांध बनेगा, बांध से जो है बिजली बनेगी, बांध से नहरें निकाली जाएंगी, सिंचाई की सुविधा होगी, बांध से जो है मछली पालन होगा, बहुत सारे उद्देश्य पूरे किए जाएंगे। तो हमारे वहां पर जमीन, हमारा खेत, हमारा जो है मकान वहां अगर आ रहा है, उसको अधिग्रहित कर लिया जाएगा कानून बनाकर। क्यों? उद्देश्य क्या है? जनहित। तो ये था कि मूल अधिकार है तो आप अपने संपत्ति को धारण कर सकते हो, उसका स्वामी बन सकते हो, उसको खर्च कर सकते हो, आपको आपकी संपत्ति से बिना विधि के प्राधिकार के वंचित नहीं किया जाएगा। और जब वंचित करेंगे तो दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, एक तो जनहित होना चाहिए। यह नहीं कि यहां पर मुख्यमंत्री योगी की आरामगाह बननी है इसलिए आप अपनी संपत्ति छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं होगा। यहां पर हाईवे बनना है, यहां पर फ्लाईओवर बनना है, यहां पर कोई पोर्ट बनना है, तमाम चीजें। या और दूसरी शर्त यह थी कि जब आपसे आपकी संपत्ति को वंचित किया जाएगा तो आपको कम से कम बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। बाजार में उससे ज्यादा भी दिया जा सकता है, लेकिन उसकी जो उसमें मार्केट वैल्यू है उससे कम हर्जाना नहीं दिया जाएगा। अधिकार तभी है जब उसकी क्षतिपूर्ति भी की जाए। अगर हम कहते हैं इस मार्केट पर मेरा अधिकार है और मार्केट उसे छिन जाता है और हमको उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं होती, तो इस अधिकार का कोई मायने नहीं। ठीक,
ये संपत्ति का अधिकार था जिसको बाद में छीना गया, छीना से ले गया क्योंकि हमको सामाजिक उद्देश्य पूरे करने थे, हमें जमींदारियों का उन्मूलन करना था, हमको जो है एक समाजवादी समाज की स्थापना करनी थी, तो धन का हमको न्यायसंगत वितरण करना था, संपत्ति का न्यायसंगत वितरण करना था, और जब ऐसा करेंगे तो कुछ लोगों से संपत्ति छीनी जाएगी। अब छीनी जाएगी तो वो कहेंगे कि हमका मेरा मूल अधिकार है, तो आप छीन नहीं सकते हो, और छीन रहे हो अगर बात नहीं जनहित में, आप एक समाजवादी समाज की स्थापना करना चाह रहे हो, आप एक समरूप समाज बनाना चाह रहे हो, इसलिए हमारे धर्म हमको मेरी जमींदारी से वंचित कर रहे हो, चलो जनहित है तो आप मुझे उसका हर्जाना दीजिए। सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि जमींदारों से उनकी जमीन को खरीद कर और भूमिहीनों को बांटे, तो इसलिए जरूरी था कि इसके कुछ अपवाद बनाए जाए और बाद में उस अधिकार को खत्म कर दिया जाए। और सब तो समझ आ गई, लिख लीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को ये यूं लिखिए, यह है अनुच्छेद, यह है अनुच्छेद व्यवस्था देता था, यह अनुच्छेद व्यवस्था देता था कि व्यक्ति को, यह अनुच्छेद व्यवस्था देता था, यह अनुच्छेद व्यवस्था देता था कि व्यक्ति को संपत्ति को अर्जित करने, कि व्यक्ति को संपत्ति को अर्जित करने कौमा धारण करने कौमा धारण करने धारण करने और व्यय करने का मूल अधिकार प्राप्त है, धारण करने और व्यय करने का मूल अधिकार प्राप्त है। पैरा चेंज कीजिए। किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से केवल विधि के प्राधिकार द्वारा ही केवल विधि के प्राधिकार द्वारा ही वंचित किया जा सकता था, वंचित किया जा सकता था अन्यथा नहीं। विधि के प्राधिकार द्वारा वंचित किया जा सकता था अन्यथा नहीं। पहला चीज कीजिए, परंतु इसके लिए दो शर्तों का होना आवश्यक था, परंतु इसके लिए दो शर्तों का होना आवश्यक था। परंतु उसके लिए दो शर्तों का होना आवश्यक था। नंबर वन, ऐसा जनहित में किया जाए, ऐसा जनहित में किया जाए, माने उद्देश्य जो है लोकहित होना चाहिए। दूसरा पॉइंट टू, संपत्ति का कम से कम बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति, संपत्ति की कम से कम बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति की जाए, संपत्ति की कम से कम बाजार मूल्य पर, माने बाजार मूल्य से आप ज्यादा देना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम, लेकिन बाजार मूल्य से कम पे नहीं चलेगा। ठीक, यहां तक कि में कोई डाउट? पहला चेंज कीजिए और लिखिए,
44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कॉमा 1978, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कॉमा 1978। संपत्ति के मूल अधिकार को, संपत्ति के मूल अधिकार को निरस्त कर दिया गया, संपत्ति के मूल अधिकार को निरस्त कर दिया गया नेक्स्ट पॉइंट, उस समय केंद्र में, ये नेक्स्ट पॉइंट है, यहां पर प्रश्न पूछा जाता है, उस समय केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली, उस समय केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार थी, उसमें केंद्र में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार थी। नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के भाग 12, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का, यूं लिखेंगे आर्टिकल 300 का, ऐसे लिख सकते हो, या आर्टिकल 300 ए, ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है, ब्रैकेट नहीं लगेगा, भाग 12 में अनुच्छेद 300 का, आर्टिकल 300 ए के अंतर्गत समाविष्ट है, के अंतर्गत समाविष्ट है। नेक्स्ट पॉइंट, जितने पॉइंट हैं ये सब आपसे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकार ना होकर, वर्तमान में, खूब समझ समझ के लिखिए, लिखते जाइए और जानते जाइए कि आप लिख क्या रहे हैं, यानी कि लिख रहे हैं दिमाग कहीं और चल रहा है, ऐसा होना चाहिए। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना होकर एक विधिक ऑब्लिक संवैधानिक, ऑब्लिक संवैधानिक, ऑब्लिक कानूनी, कानूनी अधिकार है, ठीक। एग्जाम पूछा जाता संपत्ति का अधिकार है तो मूल अधिकार तो नहीं है, क्या है ये, जो है एक संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या वैधानिक अधिकार है, लीगल राइट है, लेकिन अब मूल अधिकार नहीं है। जब मूल अधिकार था तो हमको जो क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी, अब मूल अधिकार नहीं है तो आप क्षतिपूर्ति नहीं करनी पड़ेगी, हम आप संपत्ति आपकी ले लेंगे, सरकार के पास अगर क्षमता है तो आपको जो है वो मार्केट वैल्यू पर आपकी हर्जाना, आपकी भरपाई कंपनसेशन करेगी, सरकार के खजाने में पैसा इतना नहीं है, संपत्ति आपकी 1 करोड़ की है, सरकार आपको सिर्फ 80 लाख रुपए देगी, आपको लेना पड़ेगा, कानून बना के सरकार आपको आज आपकी संपत्ति से वंचित कर सकती है,
कानून बनाकर यहां से हाईवे निकलना है, इसलिए यहां पर जितनी भी रास्ते में खेत खलिहान और मकान आ रहे हैं सबका अधिग्रहण सरकार करेगी, कानून बना देगी, और कानून बना के आपको आपके संपत्ति से वंचित कर देगी। और कोई हर्जाना दे ऐसा जरूरी नहीं है, सरकार पतला पैसा नहीं है, नहीं देती, उसके पास पैसा है दे देगी, वो आपको क्षतिपूर्ति करेगी जो उसका वैल्यू बनती है मार्केट वैल्यू। उसके पास पैसा नहीं है तो आपको कम पैसा देगी, और चूंकि आपका फलने वाला राइट्स नहीं है तो आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो, लेकिन जब भी कुछ करेगी कानून बना के करेगी, यानी कि बिना कानून के आके मनमाने पर तो तानाशाही हो गई, तो शिष्टाचारिता हो गई, रूल ऑफ लॉ है देश में, रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ कर कानून का शासन हो रहा है, तो कोई काम किया जाएगा तो करने के पीछे ये देखा जाएगा कि आपके पास क्या लीगल अथॉरिटी है। तो लीगल अथॉरिटी कैसे मिलेगी, अथॉरिटी ऑफ लॉ कहां से आएगा, कानून बनाकर। तो आज आपको आपकी संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, मगर उसके पीछे अथॉरिटी ऑफ लॉ होना चाहिए, कानून बना किया जाएगा। ये नहीं कि सरकार ने आदेश दिया, डीएम आया हो या पुलिस आई, उसने आपको भगाकर आपकी संपत्ति ले ली, ऐसा नहीं होगा। डीएम या पुलिस ऐसा कुछ नहीं कर सकती, कार्यपालिका की कार्रवाई से आपको सुरक्षा मिल चुकी है, क्योंकि यह आपका लीगल राइट है। लेकिन संसद में कानून बनाकर, जब विधानसभा में कानून बना के आपको आपके संपत्ति से वंचित किया जा सकता है, माने विधायी कार्रवाई से आपको सुरक्षा नहीं दी गई है, प्रशासनिक कार्रवाई से आपको सुरक्षा दी गई है, प्रशासन मनमाने तरीके से आपको आपकी संपत्ति से वंचित नहीं करेगा। लेकिन अगर प्रशासन के पास कानून की शक्ति आ गई है, क्योंकि संसद ने कानून बनाकर उसको ऑथोराइज कर दिया है, कि विधानसभा ने कानून बनाकर प्रशासन को शक्ति संपन्न कर दिया है, तो फिर आपको आपकी संपत्ति से जनहित में वंचित किया जा सकता है। समझवा गए, तो थोड़ा सा अंतर लिखा हुआ है कि क्या फर्क पड़ता है जब हम कहते हैं कि संपत्ति मेरा फंडामेंटल राइट था, और अब जब कहते हैं कि संपत्ति हमारा लीगल राइट है, तो डिफरेंस क्या आया, क्या डिफरेंस आया? एक तो डिफरेंस ये आया, जब मेरा फंडामेंटल राइट था हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, मेरे अधिकार का वायलेशन हुआ है, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब फंडामेंटल राइट रहा नहीं, अब मेरी संपत्ति से जब सरकार मुझे वंचित करेगी, हम आज भी कोर्ट जाएंगे, क्या सरकार के तो हम कोर्ट जाते नहीं है, जाते हैं, हम आज भी कुछ शिकायत लेकर कोर्ट जाएंगे, मगर हम अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स नहीं रहा। अब हम अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, सब क्लियर है। ये फर्क पड़ा कि अब लीगल राइट हो गया है, अब मूल अधिकार नहीं रहा, मूल अधिकार न होने से यह फर्क पड़ गया कि अब हम सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं भाग सकते, लेकिन हाईकोर्ट तो हम तब भी जा सकते हैं। यह फर्क पड़ा कि अब संपत्ति के अधिकार को आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। जब मूल अधिकार था उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ता, अब संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संसद में कानून बना के आप संपत्ति के अधिकार का कैसा भी स्वरूप रख दो, कानून को संशोधित करके संपत्ति के अधिकार को जैसा चाहो संशोधित कर दो। जब मूल अधिकार था ये मेरा, तो इसको रेगुलेट करना, इसको सीमित करना, इसको मॉडिफाई करना, इसको रेगुलेट करना, इसको कंट्रोल करना कठिन था, क्योंकि तब संविधान संशोधन के द्वारा ही इसमें कोई संशोधन हो सकता था। अब ये मूल अधिकार रहा नहीं तो संविधान को संशोधन करने की जरूरत नहीं है, अब सिर्फ जो है ऑर्डिनरी लॉ, जो सामान्य कानून बनाया जाता है विधानसभा में, वहां कानून बना के संपत्ति के अधिकार को आप रेगुलेट, नियंत्रित, नियमित कर सकते हो। ये फर्क पड़ा, ये फर्क पड़ा कि अब चूंकि ये लीगल राइट हो गया है, अब मूल अधिकार नहीं रहा, तो आज जब संपत्ति से हमको वंचित किया जाएगा तो सरकार बाध्य नहीं है कि हमको बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति करे। जब फंडामेंटल राइट था तो सरकार को अगर हमारी संपत्ति से वंचित कर रही है तो बाजार मूल्य पर उसको हमको क्षतिपूर्ति करनी पड़ती थी। ठीक, दोबारा समझा के लिख लीजिए। संपत्ति का अधिकार हेडिंग है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना होने के निहितार्थ,
मूल अधिकार ना होने के निहितार्थ, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार ना होने के निहितार्थ है, निहितार्थ नाम ने सुना आप लोगों ने, ये निहितार्थ इसके क्या छिपे अर्थ हैं, इसमें क्या अर्थ निहित है, अंग्रेजी में कहते हैं इसको इंप्लीकेशन, निहितार्थ नाम सुना है नहीं आपने सुना है, निहितार्थ नहीं सुना आपने सुना है, पॉइंट वन संपत्ति के अधिकार को अब संशोधित संशोधित करना, परिवर्तित करना, नियमित करना आसान हो गया, आसान हो गया। अर्थात अर्थात इसे सीमित करने के लिए अब संविधान संशोधन की जरूरत नहीं रही, अर्थात इसे सीमित करने के लिए अब संविधान संशोधन की जरूरत नहीं रही। इसे सीमित करने के लिए अब संविधान संशोधन की जरूरत नहीं रही, ये विधायिका के साधारण कानून द्वारा, ये विधायिका के साधारण कानून द्वारा सीमित या परिवर्तित किया जा सकता है, देखिए दो प्रकार के कानून होते हैं थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, देखिए दो प्रकार के कानून होते हैं, एक होता साधारण कानून, एक वो कानून होता है जिसके द्वारा संविधान का संशोधन किया जाता है, जिसको कहते हैं संविधान संशोधन अधिनियम, जिसको हम कहते हैं संविधायी कानून, संविधायी संविधायी कानून, कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ, कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ, ये क्या है, ये ऑर्डिनरी लॉ है और दो प्रकार के कानून होते हैं, जब संविधान में कोई संशोधन करना होता है उसके लिए भी एक कानून बनता है जिसको कहते हैं संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, पता ना, और एक होता साधारण कानून जो डे टू डे बनता रहता है जो है हमारे संसद में, कभी ये कानून कभी वो कानून, जो साधारण कानून होते हैं इसके लिए साधारण बहुमत जरूरत पड़ती है, सिंपल मेजोरिटी, साधारण कानून के लिए जो है बहुमत जो होता है, बहुमत कैसा होता है, साधारण माने साधारण बहुमत क्या है, जो आप प्रेजेंट वोटिंग है, जो
वहां उपस्थित हम वोट दे रहे हैं उसका मेजोरिटी होना चाहिए। इसका अर्थ ये कि अगर वहां पर 60 लोग बैठे हुए हैं और कानून का प्रस्ताव पास होना है, तो अगर 60 में से 31 फेवर में आ गए तो कानून वहां पर बिल पास हो गया, कि दूसरे सदन में जाएगा। वहां पर मान लीजिए 100 लोग बैठे हुए हैं, तो 100 में से अगर 51 उसके फेवर में आ गए तो सिंपल मेजोरिटी हो गई, कानून बन गया। तो साधारण कानून में जो है बहुमत कैसे चाहिए होता है, साधारण बहुमत चाहिए होता है। लेकिन जब संविधान का संशोधन किया जा रहा होता है तो उसके लिए जो कानून बनता है उसमें बहुमत कैसा होता है, उसमें विशेष बहुमत चाहिए होता है। विशेष बहुमत कितना है, 2/3। माने अगर 100 लोग बैठे थे तो वहां पर जो है 66-67 लोग जब फेवर में आएंगे तब माना जाएगा बहुमत हुआ। लेकिन साधारण कानून बनने में सिर्फ 50%+1 फेवर में आ गया तो माना जाएगा बहुमत हो गया। 10 लोग बैठे हैं, 10 में से 6 फेवर में आ गए, बहुमत हो गया। लेकिन विशेष बहुमत कब होगा, 10 लोग बैठे हैं तो 10 में से जब 6 या 7 लोग आएंगे तब विशेष बहुमत माना जाएगा। समझ आ रही है? तो दो प्रकार के कानून होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी लॉ होता है जो हमारी विधानसभाओं बनता है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कानून बन रहे हैं, संसद में कानून बन रहे हैं, ये साधारण कानून है। लेकिन जब संविधान का संशोधन करना होता है तो उसके लिए जो कानून बनता है वहां विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो दो कानून है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है जिसको कहते हैं संविधायी विधि, संविधायी कानून, एक है ऑर्डिनरी लॉ, साधारण कानून। संविधायी कानून को पास होने के लिए सदन में 2/3 बहुमत चाहिए होता है, साधारण कानून को पास होने के लिए सदन में साधारण बहुमत 50%+1। कुछ सदस्यों का तो कम से कम आधा वहां होना ही चाहिए, उससे कम होना नहीं चाहिए। और प्लस जो अब वोटिंग होने जा रही है कितने फेवर में कितने फेवर नहीं है उनका 2/3। अगर मान लीजिए कुल सदस्य संख्या का आधा वहां हो ही नहीं मिल रहा है तो बातें खत्म हो जाएगी, कानून बनेगा नहीं, संविधान का संशोधन होएगा नहीं। तो जो टोटल मेंबरशिप है उस सदन की, मान लीजिए सदन की मेंबरशिप जो है 545 है, तो 545 का कम से कम आधा तो उसके फेवर में होना ही चाहिए। 545 का 200 कितना होगा, 273 होगा, ठीक, इतना तो फेवर में होना ही होना चाहिए। इसके अलावा जितने वहां उपस्थित हैं, अब वोटिंग हो गया, कुछ फेवर करेंगे कुछ उसका विरोध करेंगे, तो जितने वहां उपस्थित हैं अब वोटिंग होने जा रही है उसमें 2/3 उसके फेवर में आने चाहिए। हम यूं कहें संविधान संशोधन को इतना आसान नहीं रखा गया है, साधारण कानून तो आसान से हो जाते हैं कि वहां बस उपस्थित चाहिए, जितने उपस्थित हैं उसका जो है मेजोरिटी अगर फेवर में आ जाता है, आधे से ज्यादा फेवर में आ जाते हैं, साधारण कानून बन जाता है। लेकिन संविधान संशोधन के लिए जो सदन की कुल सदस्य संख्या है हम वो काउंट करते हैं कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 545, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 245, इसके आधे से तो कम होने ही नहीं चाहिए। अब इतने होने होने चाहिए, अगर इससे आधे कम है, आधे से कम है, तो फिर बात भी खत्म हो जाएगी, संविधान संशोधन का कानून नहीं बन पाएगा। तो आधे से कम तो होने नहीं चाहिए। अब मान लीजिए वहां 300 लोग हैं, 545 से 300 लोग उपस्थित हैं, उसमें से जो है 272 लोग फेवर में हैं, चलो ठीक है। अब 272 फेवर, इसके आगे ये भी देखा जाएगा कि जब वोटिंग हुई है तो आधे से 2/3 इसके फेवर में आने चाहिए। वो जब पूरा समझाएंगे, अभी इसको इतनी आसान समझ में नहीं आएगा, अभी हम मोटा मोटा आपको समझना है। बहुमत को समझाने के लिए कई आंकड़े आपके सामने रखने पड़ेंगे, उन आंकड़ों से कैलकुलेशन करके आपको दिखाना पड़ेगा, तब कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। अभी बस इतना समझिए, मोटा मोटा भी जानिए, क्योंकि अभी उस टॉपिक हम लोग नहीं छू रहे हैं, कि दो प्रकार के कानून होते हैं, एक साधारण कानून होता है, एक संविधायी कानून होता है। साधारण कानून जो डे टू डे जो हमारे संसद में या विधानसभा में कानून बनते हैं, यहाँ साधारण बहुमत की जरूरत होती है। और संविधायी कानून अर्थात संविधान संशोधन जो अधिनियम होता है, वहां विशेष बहुमत से चीजें पारित की जाती हैं, विशेष बहुमत 2/3 होता है, ठीक। दूसरा जो साधारण कानून होता है, साधारण कानून में
राष्ट्रपति चाहे तो उसको वीटो कर सकता है, राष्ट्रपति की सहमति से ही तो कानून बनेगा। राष्ट्रपति ने वीटो कर दिया तो कानून नहीं बनेगा। इतना तो बात आप लोगों को पता होगी पहले से। लेकिन जो संविधान संशोधन कानून होता है उसको राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी पड़ेगी। यहां पर क्या है, राष्ट्रपति अवश्य अवश्य सहमति देगा। ठीक, जब संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा तो राष्ट्रपति को अपने सिग्नेचर करने पड़ेंगे। लेकिन साधारण कानून में दोनों सदनों से विधेयक पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति चाहे तो उसमें सहमति दे और चाहे तो सहमति ना दे, वीटो कर ले। यहां पर क्या है, यहां पर राष्ट्रपति वीटो कर सकता है। ठीक, इसके अलावा क्या था, देखिए जो साधारण कानून होते हैं, एक सदन से पारित हो गया विधेयक, उस पर दूसरे सदन में गया, दूसरे सदन पारित नहीं हो रहा है, कहते हैं गतिरोध आ गया। जब गतिरोध हो जाता है तो उसकी एक व्यवस्था की जाती है कि दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाता है, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ बैठा लिया गया। अब प्रस्ताव रखा गया, अब यहां पारित हो गया तो माना जाएगा पारित हो गया। समझ हम क्या कहना चाह रहे हैं, राज्यसभा में विधेयक का प्रस्ताव रखा गया, राज्यसभा से पारित हो गया, लोकसभा में आया, लोकसभा में रिजेक्ट हो गया। साधारण कानून की बात बता रहा हूं, कहा जाएगा गतिरोध हो गया। अब इस गतिरोध को दूर करने के लिए यह किया जा सकता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला ली जाए, दोनों सदनों के सदस्यों को एक साथ बैठाया जाए और फिर प्रस्ताव रखा जाए। अगर वहां पारित हो गया तो पारित माना जाएगा, वहां पारित नहीं हुआ तो पारित नहीं माना जाएगा। तो साधारण लॉ में साधारण कानून क्या होता है, यहां पर संयुक्त बैठक हो सकती है, संयुक्त बैठक। ये संयुक्त बैठक किसकी होनी है, लोकसभा राज्यसभा की। जब गतिरोध हो जाता है तो संयुक्त बैठक होकर भी मामले में निपटा दिया जाता है। ये बात समझ पा रहे हैं हम जो कहना चाह रहे हैं, उत्तर बात समझ आ रही है, ये कोई डाउट है। लेकिन संविधान संशोधन कानून में संयुक्त बैठक की कोई व्यवस्था नहीं, दोनों सदनों से अलग अलग पारित किया जाएगा। अगर एक सदन में पारित हो गया दूसरे सदन में पारित नहीं हुआ तो माना जाएगा पारित नहीं हुआ, ये नहीं चलेगा। कोई बात नहीं, हम संयुक्त बैठक बुलाए ले रहे हैं। यहां पर क्या है, यहां पर संयुक्त बैठक नहीं होती, माने दोनों सदनों द्वारा अलग अलग संविधान संशोधन कानून पारित होना चाहिए। यहां तक बात समझ आ गई, सार क्या है, सार यह है, ये जो ये ऑर्डिनरी जो लॉ बनते हैं ये किस अनुच्छेद के तहत बनते हैं, 246। और ये संविधान संशोधन अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत बनते हैं, आर्टिकल 368। संविधान संशोधन की शक्ति कहां पर है, अनुच्छेद 368 में है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां दी गई है, यहां तक बात पूरी समझ में आ गई है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जो है ध्यान रखनी है। अब इसको आखिर उतारिएगा, पहले जो है ये लिखा दे क्या लिखाया है। तो आप देखिए, हम ये बता रहे थे जब संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था तो उस संपत्ति के अधिकार में आपको कोई परिवर्तन करना है तो आपको उस कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, आपको विशेष बहुमत कर लाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, राष्ट्रपति पर जाएगा, राष्ट्रपति सहमति दे देगा। लेकिन संयुक्त बैठक नहीं कर सकते, अगर एक सदन में विशेष बहुमत मिल गया और दूसरे सदन में विशेष बहुमत नहीं मिल पा रहा है आपका काम नहीं बन पाएगा। ठीक, तो ये पूरी प्रक्रिया एक अनुच्छेद 368 के तहत दी गई है। साधारण कानून में क्या, आज क्या है, संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है, आज संपत्ति के अधिकार में कोई परिवर्तन करना है काम साधारण बहुमत से हो जाएगा। अगर एक बैठक एक सदन में पास हो गया दूसरा सदन पास नहीं हुआ, आप संयुक्त बैठक करवा के पास करवा लीजिए। ठीक, तो आज आसान कर दिया गया है, ये अंतर है। जब मूल अधिकार था तब क्या डिफरेंस था, अब उसको रेगुलेट करना, अब जो कि लीगल राइट है संपत्ति का अधिकार, उसको रेगुलेट करना आसान कर दिया गया है, उसको मॉडिफाई करना अब आसान हो गया है, अब उसको जो है सीमित करना आसान हो गया है।
पहले इतना आसान नहीं था। क्यों? क्योंकि पहले मूल अधिकार था, उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता, उसके लिए संविधान संशोधन अधिनियम संविधायिक कानून पारित करना पड़ता। समझा गए? नेक्स्ट पॉइंट, अब निजी संपत्ति को कार्यपालिका की कार्रवाई से तो सुरक्षा मिली हुई है, अब निजी संपत्ति को कार्यपालिका की कार्रवाई से तो सुरक्षा मिली हुई है। परंतु विधायिका की कार्रवाई से सुरक्षा नहीं है। माने संसद में कानून ला के आपकी संपत्ति को किसी भी तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, इसका अर्थ ये हुआ। परंतु विधायिका की कार्रवाई से सुरक्षा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिकार के उल्लंघन की दशा में पीड़ित पक्ष, नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिकार के उल्लंघन की दशा में कौन सी संपत्ति का जो अधिकार है ना, संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन की दशा में पीड़ित पक्ष अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। परंतु अनुच्छेद 226 के तहत वह सीधे हाईकोर्ट जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, पीड़ित पक्ष को संपत्ति से वंचित किए जाने पर पीड़ित पक्ष को संपत्ति से वंचित किए जाने पर बाजार मूल्य पर क्षतिपूर्ति की गारंटी नहीं है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई ना? कई बार समझा चुके हैं इस बात को, आप पैरा चेंज करके लिखिए। संविधान में दो प्रकार की विधियों का उल्लेख मिलता है। विधि माने होता है कानून, विधि माने होता है अधिनियम। ठीक, संविधान में दो प्रकार की विधियों का उल्लेख मिलता है। अब 1-2 करके लिखोगे। नंबर 1 साधारण विधि, साधारण विधि
ब्रैकेट में ऑर्डिनरी लॉ, साधारण विधि, नंबर वन है साधारण विधि, और नंबर टू लिखिए संविधाई, संविधाई विधि, संविधाई विधि, नंबर टू है संविधाई विधि या संविधान संशोधन अधिनियम, या संविधाई विधि क्या है, संविधान संशोधन अधिनियम है, या लिखे या संविधान संशोधन अधिनियम, या संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी तो कानूनी होता ना, या संविधान संशोधन अधिनियम। ब्रैकेट में लिखिए कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ, ब्रैकेट में कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ, ठीक लिखिए, अब जो है ये आपको उतारना है, जिसमें लिख लीजिए इन दोनों में निम्नलिखित अंतर हैं, उपरोक्त दोनों में निम्नलिखित अंतर हैं, उपरोक्त दोनों में निम्नलिखित अंतर हैं, उसको जो है इस चार्ट को आप उतार लीजिए, उपरोक्त दोनों में निम्नलिखित अंतर हैं, आराम से अच्छे तरीके से उतार लीजिए। एक साधारण कानून है, और एक जो है कितना टाइम हो गया, हो गया, यहां तक बात पूरी समझ में आ गई, ये बात खूब अच्छी तरह से आपको दिमाग में बैठाना है कि दो प्रकार के संविधान में कानून हैं।
एक साधारण कानून होता है, एक संविधायी कानून होता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ कहते हैं, जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये भी एक कानून ही होता है। जब कहते हैं संविधान संशोधन तो उसके लिए तो कानून बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि उस कानून बनाने की प्रक्रिया जटिल रखी गई है, उसके लिए एक अलग अनुच्छेद रखा गया है। और डे टू डे के कानून, अभी से नागरिकता कानून बनता है, कभी कोई दूसरा कानून बनता है, वो सब जो है आर्टिकल 246 के तहत बनाए जाते हैं, जहां साधारण बहुमत चाहिए होता है। ठीक, इस प्रकार से आपका मूल अधिकार का चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। मूल अधिकार के कुछ फीचर्स हैं वो कुछ नोट कर लीजिए, जो अक्सर आपसे स्टेटमेंट से पूछे जाएंगे। ठीक है, लिख लीजिए। मूल अधिकार के निम्नलिखित विशेषताएं हैं, मूल अधिकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर वन है, यह वाद योग्य है। ये दो शब्द प्रयोग होते हैं, एक शब्द है वाद योग्य, एक है न्याय योग्य। दोनों का एक ही अर्थ है, क्या अर्थ है कौन बताएगा? माने आप न्यायालय जा सकते हो, अगर इसका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हो। ठीक है, तो लिखिए, यह अधिकार वाद योग्य / न्याय योग्य। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है जस्टिसेबल, ये वाद योग्य / न्याय योग्य हैं, अर्थात इनके उल्लंघन की दशा में पीड़ित व्यक्ति इन्हें न्यायालय से लागू करा सकता है। इसके उल्लंघन की दशा में पीड़ित पक्ष न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करा सकता है, अर्थात इनके उल्लंघन की दशा में पीड़ित पक्ष न्यायालय द्वारा इन्हें लागू करा सकता है। सेकंड पॉइंट, यह स्वतः लागू होते हैं। सेकंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट, यह स्वतः लागू होते हैं। स्वतः लागू अंग्रेजी इसको कहेंगे सेल्फ एग्जीक्यूटरी। ये स्वतः लागू होते हैं, सेल्फ एग्जीक्यूटरी, ये स्वतः लागू होते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट है, ये अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं, ये अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों / नागरिकों को उपलब्ध हैं। ये अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों / नागरिकों को उपलब्ध हैं। यह राज्य के विरुद्ध है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, राज्य के विरुद्ध है। ठीक, यह अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्तियों / नागरिकों को उपलब्ध हैं। इनकी प्रकृति निषेधात्मक है, निषेधात्मक / नकारात्मक है। इनकी प्रकृति या कहें स्वरूप निषेधात्मक है, निषेधात्मक
धात्मक या इसे कहते हैं नकारात्मक, नकारात्मक है। इसका मतलब यह है कि आप जब मूल अधिकार को पढ़ोगे तो किसी को कानून के सामने समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में किसी भी व्यक्ति, किसी भी नागरिक को जाति, लिंग, धर्म, जन्मस्थान, निवास स्थान के आधार पर अवसर की समता से वंचित नहीं किया जाएगा। छुआछूत नहीं की जाएगी, उपाधियां नहीं दी जाएगी। तो ये जो है अपनी बातों को कैसे कहता, ये हर जगह जो है ऐसे तो कह सकता था कि हर एक को कानून के आगे समानता दी जाएगी, ये भी तो कहा जा सकता था। ये नहीं कहा कि हर एक को कानून के आगे समानता दी जाएगी, ये कहा कि कानून को समझ किसी को समता से वंचित नहीं किया जाएगा। कहा जा सकता हर एक को समता दी जाएगी, ऐसे नहीं कहा। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इसके आधार पर, उसके आधार पर अवसर की समता से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से ये जो अपनी बात कह रहा है, किस प्रकार से कह रहा है, निषेधात्मक तरीके से कह रहा है। बात कहने के दो तरीके होते हैं, राम अच्छा बच्चा है, राम गंदा बच्चा नहीं है। बात एक ही है लेकिन कहने का तरीका, तो ये मूल अधिकार की प्रकृति है, कैसी है आपको यार, ये सारे स्टेटमेंट्स आपको एकदम याद रखने, समझने। इन स्टेटमेंट्स में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, या निम्नलिखित में से मूल अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो आपको ये बात बेहद अच्छी तरीके से ध्यान रखनी होगी। ये निरपेक्ष नहीं है, यह निरपेक्ष, निरपेक्ष हिंदी शब्द निरपेक्ष हो सकता है, आत्यंतिक शब्द हो सकता है, आत्यंतिक, आत्यंतिक अंग्रेजी है एब्सोल्यूट। ये अधिकार जो है, ये अधिकार यह नहीं बल्कि ये तो होता सिंगुलर, ये तो बहुत सारे अधिकार है ना, तो ये अधिकार, ये अधिकार निरपेक्ष नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। कोई दिक्कत है? ये अधिकार निरपेक्ष या आत्यंतिक माने अब्सोल्यूट नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि ये सीमित हैं, इनको इनके रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन पर इनको संशोधित किया जा सकता है, इनको कम किया जा सकता है, इनको खत्म किया जा सकता है। देखो संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया 1978 में आके। ठीक, तो इसी को आप डिफाइन कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इसी बात को डिफाइन कर रहे हैं। देखिए मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इसमें से क्या सही है क्या गलत है। तो याद रखिए इनको संशोधित किया जा सकता है, ठीक, इन्हें संशोधित, ये खूब अच्छी तरीके से रख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, मूल अधिकारों में, मूल अधिकारों में कई प्रकार के प्रतिबंध हैं, मूल अधिकारों में कई प्रकार के प्रतिबंध हैं, मूल अधिकारों पर कई प्रकार के प्रतिबंध हैं,
अपवाद हैं, अपवाद हैं, अपवाद हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, या मार्शल लॉ, राष्ट्रीय आपातकाल या मार्शल लॉ के समय इन्हें स्थगित भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल या मार्शल लॉ के समय इन्हें स्थगित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, मूल अधिकार राज्य पर नियंत्रण स्थापित करके, मूल अधिकार राज्य पर नियंत्रण स्थापित करके राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। राज्य पर नियंत्रण स्थापित करके राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक, सारी बात ये समझ में आई है? कहीं कोई डाउट है ना? किसी में कोई फीचर्स हैं इनमें कहीं कोई डाउट हो रहा हो? इनको आपको खूब रटना है, आपसे यहाँ से प्रश्न बनेंगे, स्टेटमेंट्स रखे जाएंगे मूल अधिकार पर, वो स्टेटमेंट्स में ये सारे स्टेटमेंट्स होंगे, आपको पकड़ना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। ठीक, चलो ढांचा बता देते हैं। चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। संविधान का हेडिंग है संविधान का आधारभूत ढांचा और केशवानंद भारती केस। कितना टाइम हो गया है? 11। पहले एक प्रश्न पूछ ले हैं, फिर बात करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता? एक चिकित्सक द्वारा घायल की चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल में महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, गुणवत्तापूर्ण पेयजल का अभाव, मृत्युदंड। एक चिकित्सक द्वारा घायल की चिकित्सीय सहायता। डी डी हाँ सही है। नहीं नहीं 22 नहीं है, 22 नहीं है। जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन आपको जीवन जीने से वंचित किया जा सकता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। तो मृत्युदंड क्या है? मृत्युदंड माने अगर हम किसी को मार रहे हैं तो हत्या हो गई। हत्या मृत्युदंड में अंतर होता है। मृत्युदंड का अर्थ ये हो गया कि आपको कोर्ट ने बकायदे प्री प्रोसीडिंग्स के बाद आपको सजा दी है मौत की। तो मृत्युदंड जो है अनुच्छेद 21 का अपवाद है। अन्यथा क्या होगा कि जब मृत्युदंड दिया जाएगा तो अपराधी कहेगा, हत्यारा कहेगा कि ये तो मेरे अनुच्छेद 21 का वायलेशन हो रहा है, हमको जीवन जीने का अधिकार दिया गया। अरे हाँ, आपको जीवन जीने का अधिकार है। किसी व्यक्ति को उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन या प्राण के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के जो है हम आपको वंचित कर सकते हैं। हाँ, तो ये तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। एक घायल को इस बात का अधिकार है कि उसको तुरंत सहायता दी जाए, सरकारी अस्पतालों में उसको तुरंत सहायता मिलनी चाहिए, चिकित्सक द्वारा उसको जो है सहायता मिलनी चाहिए। ये तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आ रहा है। देखिए हमने लिखा है कि नहीं लिखा है, उसको देख लो एक बार। माने रिवीजन रिवीजन कीजिए। जिनने बता दिया अच्छी बात है, उनको याद है। देखो खुद के चिकित्सक के द्वारा सहायता की बात लिखाई कि नहीं लिखाई है। नहीं लिखाया है तो बढ़ा लो, उसमें जोड़ लो। नहीं लिखा है तो उसको उसमें जोड़िए। देखिए आप देखिए अपने नोट्स में देखिए है कि नहीं है। नहीं है 21 पढ़ा नहीं आई नहीं थी। तुम तो यार बराबर आ रही हो। छुड़वाई नहीं है वो, हमने कहा था कि जो और जोड़। नहीं देखो कहाँ छूटा है, देखो अपना नोट्स मिलाओ, नोट्स मिलाओ। हाँ तो इसको इसको जोड़ो जो सरकारी अस्पतालों में शीघ्र उपचार का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में शीघ्र उपचार का अधिकार, इसको भी जोड़ दीजिए अगर नहीं है तो। चिकित्सक द्वारा घायल की चिकित्सीय सहायता का अधिकार, चिकित्सक द्वारा घायल की चिकित्सीय सहायता का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में शीघ्र उपचार का अधिकार, सरकारी अस्पतालों में शीघ्र उपचार का अधिकार। इस प्रश्न को उतार लीजिए, इस प्रश्न को उतार लीजिए। उतार लिया है रोशनी, तो उतारो जल्दी से। इतना आप लोग धैर्य करेंगे तब तो फिर कैसे आगे बात बढ़ेगी। आप लोगों की हिस्ट्री की क्लास कैसे चल रही है?
ठीक नहीं चल रही है, क्या गड़बड़ी चल रही है? हैं धीमे तो हम भी पढ़ा रहे हैं भाई, सब स्लो मोशन में ही चल रहा काम। हाँ समझ में नहीं आ रही है, हिस्ट्री टफ भी तो है, हिस्ट्री टफ है, आ रही है उत्कर्ष तुम्हें को नहीं आ रही भाई? सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, माने ज्यादा पढ़ाना चाहिए, डिप्लोमा का पढ़ाया जाएगा तो फिर टाइम तो लगेगा। चलिए आपके नए टीचर आ रहे हैं, हिस्ट्री के नए टीचर जो है शायद वहाँ आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले। हमने कहा आपके सेटिस्फेक्शन के लिए कोई नया टीचर रखा जाएगा हिस्ट्री का, ठीक रहेगा? नहीं हम नहीं पढ़ाएंगे, अभी फोन इसमें आया था उनका, अभी कितने हम फोन आया था उस समय वो इंटरव्यू दे चुके हैं। हिस्ट्री उनका ऑप्शनल रहा है, अभी है कि आप लोग पसंद करें तब ना। नहीं जरूरी कि डीपली जाए, तो होता यह कि थोड़ा सा स्टूडेंट को देख के बताना पड़ता ना, अगर डीपली होता कि टाइम पे ज़्यादा लगने लगता है। स्टूडेंट ये भी चाहता कि जल्दी मेरा कोर्स सिमट जाए, और ये भी चाहता है कि हमको सब कुछ बता भी दिया जाए, तो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती हैं? अगर कोर्स समेटा जाएगा तो चीज़ें कुछ छोड़नी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें सतही पढ़ानी पड़ेंगी, अगर हर चीज़ आपको अच्छे से पढ़ाई जा रही है तो कोर्स की स्पीड धीमी हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो बैलेंस बनाना पड़ता है ना। कितने घंटे क्लास लेते हो जब अपने क्लास लेते हैं हिस्ट्री की? 2.5 घंटे की। हाँ तो 2.5 घंटे में इनको, 2.5 घंटे में उनको इतना समय मिल जाता है कि आराम से धीरे आगे बढ़े। उतना धीरे आप लोग पसंद नहीं करते हो, टीचर चेंज किया जाए। अच्छा आलोक नाम है, जब जिससे कोई नेट क्या पढ़ाते हैं, पॉलिटी पढ़ाते हैं। अच्छा आपने उनकी क्लास अटेंड की है, तो पॉलिटी में क्या पढ़ाया था उन्होंने? नहीं संविधान में कौन सा पोर्शन पढ़ाया था? मूल अधिकार पढ़ाया था, प्रस्तावना पढ़ाया था, नागरिकता पढ़ाई थी, मूल अधिकार पढ़ाए थे। तो जैसे मूल अधिकार बता रहे थे तो तुम तुमको तो समझ आ रहा होगा, सब कहीं बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई होगी। जैसे आप हमसे अगर पॉलिटी पढ़ लेंगे तो कहीं भी पॉलिटी पढ़ेंगे आपको बड़ी तेजी से हर चीज समझ में आ जाएगी। तो मूल अधिकार में उन्होंने कौन सा टॉपिक छुआ था? हेडिंग है केशवानंद भारती केस, और नए पेज से अगर रफ है तो कोई बात नहीं, नहीं तो ये नया टॉपिक नया पेज। नहीं पॉलिटी जैसे उन्होंने मूल अधिकार पढ़ा तो उसमें अनुच्छेद 14 पढ़ा था कि 15 पढ़ा था कि 16 पढ़ाया था? 16 पढ़ाया था। अच्छा लोक नियोजन अवसर क्षमता, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं होती समझने में? ऐसा लग रहा था कि जो कुछ पढ़ा रहा है सब पहले से पता है, या कुछ नई चीजें भी मालूम चली वहां पर, कुछ नई चीजें भी पता हुई? हाँ जी होता है, जब टीचर जब चेंज होता है तो कुछ नई चीजें भी जो है पता लगती हैं।
केशवानंद भारती केस और संविधान का आधारभूत ढांचा। होता ये ना, जैसे जो पॉलिटी वाले जो वहां पहली बार पढ़ रहा है तो उसको धीरे धीरे ही समझ में आएगा। जैसे आपने यहाँ पॉलिटी पढ़ ली है तो आपको लगेगा कि थोड़ा स्पीड से पढ़ाएं वो, लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार वहां बैठा हुआ है तो उसको स्पीड में तो उसको समझ में नहीं आएगा, वो शिकायत करेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो ऑनलाइन उनका रिकॉर्डिंग होती होगी ना, तो रिकॉर्डिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो वहां बैठे हुए हैं उनको तो एक एक पॉइंट लिख के दिखाना पड़ता है बोर्ड में। जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो दृष्टि, नहीं अच्छी कोचिंग है, वहां पर जाओ और एंजॉय करो। हाँ, अब देखिए जो ये प्रश्न जो है केशवानंद भारती, मामला ये था कि जब संविधान लागू किया गया और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में दिया भी गया, मगर ये देखा गया कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी तो हर वर्ग अपने अपने सपनों के भारत के साथ आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुआ था। किसान इसलिए शामिल हुए थे कि नई सरकार होगी, हमारी अपनी देशी सरकार होगी और हमको जमींदारों के चंगुल से आज़ादी मिलेगी, ये उत्पीड़नकारी भू राजस्व व्यवस्था से आज़ादी मिलेगी, दलित वर्ग जनजाति वर्ग इस सपने के साथ आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुआ था कि हमारा अपना देश होगा, हमारे साथ सामाजिक न्याय किया जाएगा, हमारे साथ आर्थिक न्याय किया जाएगा। तो हर एक के अपने अपने सपनों का भारत था, उस सपने के साथ आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। जब संविधान लागू हुआ तो उनके सपनों को पूरा करना था, लेकिन ये पाया गया कि अगर हम उनको आरक्षण दे रहे हैं SC ST को, तो जो है संविधान का मूल अधिकार आने आ रहा है, मूल अधिकार के साथ जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर जमींदारों से हम उनकी एक्स्ट्रा जमीन को छीन कर कानून बना के, भूमि सुधार कानून बना के उनकी एक्स्ट्रा जमीन छीन कर हम जो है भूमिहीन किसानों को दे रहे हैं, तो यह संपत्ति का अधिकार आड़े आ रहा है। इससे निपटने के लिए पहला संविधान संशोधन किया गया, उसमें जो है चंपकम दुराई राजन का एक केस था, जिसमें जो है चंपकम दुराई राजन को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया था, क्योंकि आरक्षण के कारण सीट जो है दूसरी जातियों को दे दी गई थी। तो उन्होंने कहा था कि देखो अनुच्छेद 15 का वायलेशन हो रहा है, अनुच्छेद 15 कहता है जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि गारंटर है, प्रोटेक्टर है मूल अधिकार का, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत जो है चंपकम दुराई राजन का पक्ष लिया और कहा कि जो आरक्षण दिया गया है ये गलत दिया गया है, अनुच्छेद 15 कहता है मूल अधिकार कि जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि गारंटर है तो मूल अधिकार का हमेशा समर्थन करेगा। तो फिर संविधान संशोधन किया गया, पहला संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 15 में एक क्लॉज 3 जोड़ा गया, चार जोड़ा गया और कहा गया जो SC है, ST है और सामाजिक सचिव रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है, इस प्रकार से उनको शिक्षा में आरक्षण दिया गया। इसके अलावा भूमि सुधार कार्यक्रम लाए जाने थे तो संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया। संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए 2 अनुच्छेद जोड़े गए। अनुच्छेद 31 क्या बताता है? राइट टू प्रॉपर्टी, इसमें संशोधन करके इसको सीमित किया गया और 2 अनुच्छेद और जोड़े गए पहले संविधान संशोधन के द्वारा। एक था अनुच्छेद 31A, 31B। 31B के तहत जो है एक नवी अनुसूची डाली गई, मूल संविधान में सिर्फ 8 अनुसूचियां थी, एक नवी अनुसूची डाली गई, 9th शेड्यूल। और यहां पर जो जो कानून रखे गए, यहां पर भूमि सुधार के, जमींदारी उन्मूलन के यहां कार्यक्रम कानून यहां रखे गए,
और कहा गया इन कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक। और 31A में यह कहा गया कि जो है किसी की भी संपत्ति, जागीरदार भूमि है, कोई जो है व्यापारिक प्रतिष्ठान है, इसमें जो संपत्ति के अधिकार है उनको सीमित किया जा सकता है, यह व्यवस्था की गई। अब जिनकी संपत्ति अब छिनना शुरू हुई, क्योंकि कानून बना के नवी अनुसूची में डाले जा रहे हैं, तो जो बड़े बड़े जमींदार थे उनकी संपत्तियां छिनना शुरू हुई, और कानून बन गया था पहले संविधान संशोधन द्वारा, मूल अधिकार को सीमित किया जा चुका था, तो वो क्या करें। तो उन्होंने एक ये मुद्दा उठाया कि जो है अनुच्छेद 13 कहता है कि ऐसा कोई कानून बनाया नहीं जा सकता जो मूल अधिकार को कम करता हो, मूल अधिकार का उल्लंघन करता हो, मूल अधिकार के असंगत हो, मूल अधिकार को छीनता हो, ऐसा कोई कानून बनाया नहीं जा सकता। ये कौन कहता है? अनुच्छेद 13। आपको याद आ रहा है? ये नहीं याद आ रहा है, भूल गए एकदम। अनुच्छेद 13 ये बताता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया जाएगा, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं जारी किया जाएगा, ऐसा कोई अध्यादेश नहीं आएगा, ऐसी कोई परंपरा नहीं चलेगी जो हमारे मूल अधिकार को कम करता हो या छीनता हो या सीमित करता हो। अगर ऐसा कोई कानून बनाया जाता है तो वो कानून अवैध होगा, असंवैधानिक होगा, शून्य होगा। याद आ रहा है? अब एक बार अनुच्छेद 13 एक बार पढ़ लीजिए खोल के। आप थे अनुच्छेद 13 में? नहीं थे? एक बार पढ़िए। बात मिली? क्लियर हो गया? संविधान का अनुच्छेद 13 यह कहता है कि ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई अधिनियम, ऐसा कोई आदेश नहीं सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा या बनाया जाएगा जो मूल अधिकार को कम कर दे, मूल अधिकार का उल्लंघन कर दे, मूल अधिकार को छीन ले। वो अगर ऐसा कोई कानून बन गया, जब छोड़ो कानून, ऐसा कोई आदेश सरकार की तरफ से निकाला गया, प्रशासन की तरफ से निकाला गया, या ऐसा कोई नियम, उपनियम, विनियम, ऐसा कोई अध्यादेश जिसको राष्ट्रपति जारी करते हैं या राज्यपाल निकालते हैं अपने राज्य के लिए अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, जो मूल अधिकार का उल्लंघन करता है, तो ऐसा कानून जो है वो शून्य होगा, ये बताता है। अब सरकार ने क्या कर रही है, इधर सरकार क्या कर रही है, सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए जो है मूल अधिकार बीच में रुकावट बन रहे हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए सरकार संविधान में संशोधन कर रही है, संशोधन करके संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31A 31B द्वारा सीमित कर दिया और नवी अनुसूची डाली गई। नवी अनुसूची में भूमि सुधार के और जमींदारी उपमूल्य के कानून डाल दिए गए और संविधान संशोधन करके व्यवस्था कर दी गई नवी अनुसूची में जो भी कानून होंगे उसकी इस आधार पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी कि वो मूल अधिकार के असंगत हैं। देखिए सरकार को समाजवादी नीतियां स्थापित करनी थी, ठीक। अब मान लीजिए सरकार कोई ऐसा विधेयक लाती है, कोई कानून लाती है कि कोई शिपिंग कंपनी है जिसका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, कोई कोल माइन है जो निजी हाथ में है उसका राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है, तो वो व्यक्ति कहेगा कानून के आगे हर कोई समान, आप मेरी कोल माइन का क्यों राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, मिस्टर एक्स की माइन थी उसको आपने क्यों छोड़ दिया, आप मेरी एयरलाइंस, आप टाटा एयरलाइंस का क्यों राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, उनकी एयरलाइंस थी आपने उनको क्यों छोड़ दिया। इस प्रकार से केस शुरू हो जाएंगे ना, मेरा मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो रहा है, इस प्रकार से
संपत्ति के अधिकार का वायलेशन हो रहा है और सरकार राष्ट्रीयकरण करना चाह रही है, सरकार समाजवादी नीतियों को लागू करना चाह रही है, सरकार इस प्रकार के समाज की स्थापना करना चाह रही है जहां धन शक्ति उत्पादन साधन कुछ चंद हाथों में सिमट के ना रह जाए। टाटा स्टील, टाटा एयरलाइंस, टाटा टेलीकॉम, टाटा ये सब कुछ, टाटा 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 सब जो टाटा के पास उत्पादन सब साधन नियंत्रित हुए जा रहे हैं, कंसंट्रेट हुए जा रहे हैं, उन्हीं पास सब सीमित हुए जा रहे हैं, संकेंद्रित हुए जा रहे हैं। हमको संपत्ति का समूह वितरण करना है, उत्पादन के साधन धन का हमको न्याय संगत वितरण करना है। इसका तरीका ये होता है कि निजी हाथों से उनकी फैक्ट्रियां उनके कारखाने छीन लिए जाएं, सरकार उनका राष्ट्रीयकरण कर दे। अब जो पैसा आएगा सरकार के खजाने में आएगा, उसका सरकार जो है सब्सिडी के रूप में अन्य रूप में हर एक में बराबर बराबर वितरण करेगा। जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें हैं, आप पूरी जमीन में खेती नहीं कर सकते, आप बिना श्रम किए आप किसानों की मेहनत पर आप जी रहे हो, आप करो यहां से लेकर वहां तक की सारी जमीन मेरी है। किसान मेहनत करता है पर किसान की जमीन नहीं है, वो आप कुछ करते नहीं हो, किसान से लगा लेते हो, आप फ्री में खा रहे हो पी रहे हो। यह अन्याय है, यह समाजवाद का उल्लंघन है। तो ये नियम बन गया कि मान लीजिए एक व्यक्ति के पास 25 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रहेगी, 25 एकड़ के बाद उसकी जितनी जमीन है वो जमीन उससे छीन ली जाएगी और उस जमीन पर जहां पर जो किसान खेती कर रहा है उसको वो जमीन बांट दी जाएगी, उसको आवंटित कर दी जाएगी, वो आपको कुछ पैसा दे दिया जाएगा। तो मुकदमेबाजी होगी ना फिर कि मेरी जमींदारी छीनी जा रही है। इसलिए पहला संविधान संशोधन किया गया था जहां संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था, जहां जमींदारी का उन्मूलन किया गया था, भू सुधार के कार्यक्रम लगाए गए थे। इसके लिए जो है मूल अधिकार बीच में आड़े आ रहे थे, इसके लिए पहला संविधान संशोधन किया गया। जब संविधान संशोधन किया गया तो जिनसे उनकी संपत्ति छीनी वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 13 कहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों को छीनता है या कम करता है, और जो संविधान संशोधन है यह भी तो कानूनी है। संविधान संशोधन अधिनियम, पहला संविधान संशोधन अधिनियम, यह भी तो कानून है। अनुच्छेद 13 कहता ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, तो यह संविधान संशोधन अधिनियम ही अवैध है, असंवैधानिक है, इसलिए इस संविधान संशोधन को ही रद्द कर दिया जाए। यहां तक बात समझ आई? तो जो है प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में किया गया था, 1950 में संविधान लागू किया गया, 51 में पहला संविधान संशोधन किया गया। तो पहला संविधान संशोधन को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, तो जो केस था वो था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस था, समझिए, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये कब का था? 1951। नाम सुना इसका? नाम सुना है? शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद की तरफ से यह दलील दी गई, ये मत दिया गया कि अनुच्छेद 13 कहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकार के असंगत हो, जो मूल अधिकार को कम करे, मूल अधिकार को छीने। तो आपने, सरकार ने जो पहला संविधान संशोधन पारित किया है ये कानून नहीं तो क्या है? कानूनी तो है। तो ये संविधान संशोधन ही अवैध है, असंवैधानिक है, ये दलील सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करी। अब वो सुप्रीम कोर्ट जब न्याय करता है तो उसको न्याय करते समय ध्यान रखना पड़ता है बहुत सारी बातों को। सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि देखिए नई नई आजादी हमें मिली है, हैं, और किस आजादी के सपनों के साथ भारत का हर वर्ग इसमें शामिल हुआ है। और अब जब उनके लिए कुछ करने का मौका आया स्वतंत्र भारत में, तो अब मूल अधिकार और मुकदमेबाजी अब ये सामने आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि देखिए एक बात सही है कि अनुच्छेद 13 कहता है कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकार को कम करे, लेकिन ये जो संविधान संशोधन है ये एक अलग प्रकार का कानून है। दो प्रकार के कानून होते हैं, एक तो ऑर्डिनरी लॉ, साधारण कानून, एक संविधान संशोधन कानून। तो अनुच्छेद 13 जब कहता है ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, तो अनुच्छेद 13 का इशारा है साधारण कानून। ऐसा कोई कानून संसद या विधानसभा नहीं बनाएंगी जो मूल अधिकार को छीने,
लेकिन संविधान में संशोधन के द्वारा तो हम परिवर्तन कर सकते हैं, मूल अधिकार को कम कर सकते हैं, छीन सकते हैं। संविधान में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। और जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो एक विशेष प्रकार का कानून होता है जिस पर अनुच्छेद 13 अप्लाई नहीं होता। यहां तक बात समझ आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देखिए ये बहुत काफी पेचीदा मसला है, जैसे जैसे बात आगे बढ़ती जाएगी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकता है, तो हर बात को क्लियर करते चलिएगा, ना आए तो बताइएगा क्लियर नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 13 जो है ये अप्लाई होता है साधारण कानून पर, माने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकार को संशोधित कर दे, मूल अधिकार को कम कर दे, मूल अधिकार का विरोध कर दे, ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा। लेकिन जो संविधान का संशोधन किया गया, पहले संविधान संशोधन ये किया गया है आर्टिकल 368 के तहत, ये साधारण कानून नहीं है, ये जो है संविधायी कानून है, संविधायी कानून है। और संविधायी कानून के द्वारा मूल अधिकार को संशोधित किया जा सकता है, मूल अधिकार को कम किया जा सकता है, ये निर्णय हुआ। यहां तक बात समझ आ गई, लिख लीजिए। हाँ लिखाने जा रहे हैं, हेडिंग जो है वो लडवाई है, केशवानंद भारती केस आधारभूत ढांचा, डाल लिया ना। हाँ हाँ वो आरक्षण से जुड़ा था, ठीक दुराचारण केस, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो है आरक्षण गलत दिया गया, जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता क्योंकि मूल अधिकार कहता जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दुराचारण केस के प्रभाव को खत्म करने के लिए पहला संविधान संशोधन कर दिया गया, पहला संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 15 में क्लॉज 4 जोड़ा गया और कहा गया वो लोग जो SC हैं, जो ST हैं या सामाजिक सचिव रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है। तो पहला संविधान संशोधन कर दिया गया। इसके साथ साथ इस बात का भी डर था कि अभी संपत्ति के अधिकार को लेकर विवाद शुरू हो जाएगा, तो पहले संविधान संशोधन के द्वारा यह भी किया गया कि भूमि सुधार के लिए जो है अनुच्छेद 31 को सीमित किया गया। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार देता है, अनुच्छेद 31 को सीमित किया गया और कहा गया कि अगर ये संपत्ति को हम सीमित करते हैं तो ऐसा किया जा सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि जमींदारों से उनकी संपत्तियां छीनने लगी, तो जमींदार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, उन्होंने क्या दलील दी, उन्होंने दलील दी अनुच्छेद 13 की कि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो मूल अधिकार को सीमित करे, और पहला संविधान संशोधन जो है हमारे संपत्ति के अधिकार को सीमित कर रहा है, इसलिए यह संशोधन ही गलत है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुच्छेद 13 जो कहता है ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता, अनुच्छेद कोई कानून करते हैं साधारण कानून से, इसका संबंध अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन अधिनियम से नहीं है, माने संविधान संशोधन करके मूल अधिकार को कम किया जा सकता है, मूल अधिकार को सीमित किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पहला संविधान संशोधन किया गया है वो सही किया गया है, ठीक। टाइम बताइए फटाफट कितना है? हाँ इतना कर देंगे, पूरा कर देंगे, लिखिए। क्या संसद संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को सीमित या समाप्त कर सकती है? ब्रैकेट में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, ब्रैकेट में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत यह मामला सुप्रीम कोर्ट के पास सर्वप्रथम
शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में सामने आया। यह मामला सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट के पास शंकरी प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1951 में विचार के लिए आया। दरअसल इस मामले में प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। दरअसल इस मामले में प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी। दरअसल इस मामले में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई थी। क्योंकि यह संशोधन संपत्ति के मूल अधिकार को सीमित कर रहा था क्योंकि यह संशोधन संपत्ति के मूल अधिकार को सीमित करता था। क्योंकि यह संशोधन संपत्ति के मूल अधिकार को सीमित करता था ठीक। और संविधान का अनुच्छेद 13 कहता है और संविधान का अनुच्छेद 13 और संविधान का अनुच्छेद 13 ब्रैकेट में क्लास 2 अनुच्छेद 13 स्पष्ट कहता है कि राज्य द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकार को कम करे या छीने। मूल अधिकार को कम करने या छीनने वाला कोई भी कानून असंवैधानिक और शून्य माना जाएगा। शंकरी प्रसाद की दलील थी दलील माने तर्क। शंकरी प्रसाद की दलील थी कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम भी एक कानून ही है जो संपत्ति के मूल अधिकार को सीमित करता है। अतः यह संशोधन असंवैधानिक है।
अतः यह संशोधन असंवैधानिक है। यहां तक बात समझ में आ गई? पहला चेंज कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने शंकरी प्रसाद मामले में यह निर्णय दिया, शंकरी प्रसाद मामले में यह निर्णय दिया कि प्रथम संविधान संशोधन सही है, कि प्रथम संविधान संशोधन सही है। क्योंकि क्योंकि अनुच्छेद 13 साधारण कानूनों पर लागू होता है, क्योंकि अनुच्छेद 13 साधारण कानूनों पर लागू होता है, अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन अधिनियमों पर लागू नहीं होता। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संवैधानिक संशोधन अधिनियमों पर लागू नहीं होता। सरल शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 368 को अनुच्छेद 13 से ऊपर बताया, यहां तक पूरी बात समझ में आई? ये जाकर आप लोग आज घर में इसको, इसी टॉपिक को, इसको बार बार रिवीजन करके इसको महसूस कीजिएगा, क्योंकि ये कहानी अभी आगे चलेगी, कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती है। तो ये बात एकदम समझ आ जानी चाहिए जो हमने लिखाई है, खूब इसको महसूस कीजिए, ताकि जब हम कल इसके आगे बढ़ें तो आपको कंफ्यूजन ना पैदा हो और किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन ना क्रिएट हो।